हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय लव माय मोटा जी. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी. सो ये है हमारा सेकंड मैरिज एनिवर्सरी. उसके लिए लाए हैं शिवम केक. सो अब ये केक हम जाके काटेंगे मम्मा जी के साथ. चलो छोटे कमरे से आना नहीं सी. हाथ ऊपर करके सो गए. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जी. यार मैं भी बुझाना. मैं काट. अरे करते मुँह मीठा करो. जितना मीठा खाओगे उतनी मीठी जुबान होगी ना आपकी. पेंडिंग है ठीक है. आगे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ ना मैं तो. पेंडिंग है ठीक है. टाइम आने पे मिल जाएगा. आधी रात को 12 बजे नहीं मिलेगा. चलो सो. मैं ये कहने वाली थी मेरा गिफ्ट क्या है. हाँ बुथा है गिफ्ट वाला. पता नहीं मंगाया था कुछ नहीं. चिकन चुकन ही होना. कुछ नहीं मंगाया. है मेरा गिफ्ट दिखा दो. मुझे नहीं पता. ताई को बड़ा पता है. आपको पता है. चलो आओ ऐसे करो फिर बाहर चलता हूँ आपको गिफ्ट दिखाता हूँ सबको. आओ चलो उठो ताई. किधर जाना. मैं तो हाथों में जा रहा हूँ. मैं हैंड वॉश करने लगी हूँ. एसी बंद है. बाहर रखा मैंने गिफ्ट छुपा. हाउ स्वीट यार. यू आर सो स्वीट. मैं चप्पल पहन के आती हूँ. ताई देख रहा खुशी देख रहा. ताई जब बेवकूफ बनाया ना फिर देखना. ला 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 कुंडी तो खोल. कुत्ते खा जाए. बाहर दे. मैं ये देख रही थी. कुछ नहीं है. यार मेरे को चलो देखो तो सही. बाहर जाके गिफ्ट अपना गली च. हाँ आओ ताई. चल ये वाइट एक्टिवा की चाबी नहीं देखी. मैनू नहीं. लगा चाबी. हैंडल सीधा कर. उद्घाटन कर दिया भाई. मुंडा ना चल जाए मेरे. क्या बात है. थैंक यू सो मच. यही पे सो जाती हूँ. इसे अंदर खड़ाते हैं ना घर के. दिक्कत हो रही थी मुझे. अंदर रखनी थी. सो दिस इज माई न्यू गिफ्ट. माई न्यू एक्टिवा. बस अब थोड़ी देर में मैं गाड़ी भी सीख लूंगी. सो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी फॉर न्यू एक्टिवा. ये तो जुपिटर भी तो ऐसी थी. आरव ने तो कल शॉक हो जाना है पूरा का पूरा. सो शिवम ने मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट दे दिया है. मेरी तरफ से पेंडिंग है. एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. तो मैं फिलहाल कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ सच सच बताऊँ तो. और अभी हमने केक वगैरह काट लिया और आपने देखा होगा कि मुझे क्या गिफ्ट दिया है शिवम ने. सो अब मिलते हैं सुबह. तब तक के लिए बाय. गुड नाइट.
Hey everyone, good morning, welcome back to my new vlog. So जैसे कि आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, सो ये मेरी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी है. तो अभी मतलब मैं नहा हो के फ्रेश हो चुकी हूँ प्रॉपर, और सारे अंदर है, फ़ोन आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस के. तो अभी मम्मा का भी फ़ोन आया, और कल आपने मेरा गिफ्ट देखा होगा, मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ पे खड़ी की है. माय न्यू गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड जी ने दिया है, थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, लव यू सो मच. सारे अंदर है, मैं देखती हूँ अंदर जाके ये लोग कर क्या रहे हैं. एंड स्टार्टिंग किचन से होती है, बिकॉज किचन में लाइटिंग बहुत अच्छी बनती है. ऑफकोर्स इधर हो रहा है बात हो रही है देना, इधर ही बैठा हुआ मेरी दादी पास. हैप्पी एनिवर्सरी बोलो बेटा मम्मा पापा को. तो शिवम का गिफ्ट है ये शिवम का गिफ्ट है ये, है ना. इतना प्यारा गिफ्ट दिया मैंने डैडू को. सो जस्ट अभी हम लोग मूवी देखकर ख़त्म कर चुके हैं, और क्यान इधर खेल रहा है, मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, नमकीन राइस. तो मैं फटाफट बना लेती हूँ, टाइम हो गया है. शरारती हो गए, अब डाल दो इसमें सामान में. तो इधर मैंने मेरे नमकीन राइस रख दिए हैं, एंड मैं बनाने लगी हूँ ये 2 PM हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स. फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता है कैसा होगा. मेरी सिस्टर मेरे लेकर आई थी नेपाल से, तो मैं इसको बनाती हूँ, देखती हूँ कितना स्पाइसी है ये. फिलहाल मैं भी एप्पल खा लूँ. तो ये मैं बनाने लगी हूँ, तो इसमें मुझे एक्चुअली 3 स्पाइसेस मिले हैं. ये नहीं, ये है हॉट एंड स्पाइसी सीजनिंग, ये मसाला है, एंड ये वेजिटेबल फ्लेक्स है, एंड ये हॉट स्पाइसी एंड ऑयल है. और मुझे वैसे पता नहीं है बनाना कैसे है, पीछे से मैंने वो देख लिया है, मतलब कैसे इसको कुक करना है, हाउ टू कुक. बॉयल करना है पहले वाटर में, फिर उसके बाद ये सारा कुछ डालना है, वेजिटेबल फ्लेक्स, नूडल्स, हॉट स्पाइसी सीजनिंग पाउडर भी डालना है, पेपरिका फ्लेवर, चिली ऑयल, एंड कुक करना है 5-7 मिनट्स. तो पहले मैं बना लेती हूँ. मेरे नूडल्स बन रहे हैं, इधर मेरे बिरयानी बन रही है. जब तक ये बन जाता है तब तक मैं ये गंद उठा लेती हूँ. पिज्जो बोला था कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि कैसे मैगी वगैरह जो ये कुक करो, कैसे एनर्जेटिक तरीके से बोलना है ना, बोलना कैसे. तो गाइस आज मैं लाइव हूं यहां पे स्पाइसी नूडल मैगी. यार आप अपना व्लॉगिंग चैनल खोलो यार, आपने कितना एंटरटेन करना लोगों को, है ना. फाइनली मेरा स्पाइसी नूडल मैंने जो बनाया था, इसको अब टेस्ट करने की बारी आ गई. मैं देखती हूँ कितना स्पाइसी है ये, अगर ज़्यादा स्पाइसी हो ना, मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ से भी खरीद लूँगी, या ऑनलाइन मिलता है, बट पता नहीं मुझे शॉप्स में मिलते हैं कि नहीं. गरम है. है स्पाइसी है, बट मैं खा सकती हूँ, शिवम नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी है. शिवम टेस्ट करके बताएंगे ये नूडल्स इनको कितने स्पाइसी लगे. यहाँ पे मेरे स्टूपिड नूडल्स स्पाइसी नूडल्स बनके हो गए हैं रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे. हाँ जी, भी टेस्ट करके बताओ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको. ये इतनी लंबी लंबी नूडल्स हैं, मैं इनको अपने सर पे रख सकता हूँ. कर्ली हेयर्स बना सकता हूँ. नहीं है. बट स्पाइसी है, अगर अभी जैसे पूरा बाउल एक बंदा खाएगा ना, उसको बहुत स्पाइसी लगेगा. एक दो स्पून से इतना फर्क नहीं पड़ता यार, है ना, एक दो स्पून से इतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन पूरे बाउल में मार्को सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, कि इसके अंदर पूरे 4 पीस मटर के मिले हमें. जो अब गायब हो चुके हैं, इसमें लुप्त हो चुके हैं ना. नहीं, अभी एक ये हमें एक मटर का पीस मिल गया है, देखो. फोकस फोकस फोकस. हाँ, मिला. खा लेता हूँ, ले आओ मुझे भी दो. अगर इनको दिखाती रही तो उन्होंने सारा खत्म कर देना, तो मैं जाके पहले इनके साथ खा लेती हूँ फटाफट. मेरे राइस बन चुके हैं और अब हम लोग खा रहे हैं. क्या तो देखो, नानी मामू आए हैं, तो ये सब आए मेरी एनिवर्सरी के लिए, मेरा केक देने एनिवर्सरी का. हाँ जी, जाओ नहीं जाना. अच्छा फिर करो, उधरों आए हाँ वैसे ना नाल मिलके.
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. मुझे ये ना सरप्राइज था एक्चुअली यार, ये तो गलत बात है। ये आपको हमने सरप्राइज देना था, अकेले जाके ले आए। मैं थोड़ी ना गई हूँ, ये लेकर आए थे मेरे लिए। सो दिस इज माय न्यू एक्टिवा दीदी, कैसी लगी? आगे रिबन भी लगा है छोटू सा। कांग्रेचुलेशंस कांगो। अरे मुझे 12 बजे पता, रात को कहते चल बाहर चल। फ्राइडे दी खरीद के राहुल ने कर रखी है। हाँ। नहीं बता, रात 12:30 बजे मेरे को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया था, हमें खुद कल पता चला। कैसा लगा? ठीक है दीदी, पूरा शौक हो गए हैं। भी प्रिया दीदी और जीजू भी आ गए, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने। मेरे यहाँ पे केक लग गया, देखना बताया भी। हाँ, सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने खाने पीने का, तो जाते हैं पहले लेकर आते हैं। और अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, लोग तो बुलेट पे ही जा रहे हैं, बिकॉज हम पहले एक्टिवा मंदिर लेकर जाएंगे, तो इसलिए अभी हम चला नहीं रहे, नहीं तो मैं एक्टिवा पर लेके जाती। मैंने पैक करवा लिया, अब हम चलते हैं सीधा घर। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं और यहाँ पे भी खाना खिला दिया है। बोलो ना। तो शिवम के दोस्त आ रखे थे हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, तो वो बहुत प्यारा सा केक लेकर आए थे जो हमने उनके साथ काटा। और काफ़ी देर तक शिवम उनके फ्रेंड्स ने पार्टी की, मतलब अंदर रूम में ही अपना खाया पिया एंजॉय किया, और वो फ़िलहाल चले गए हैं। एंड अब बारी है सोने की, और टाइम पूरे 12 बज चुके हैं, भी हमारी एनिवर्सरी ख़त्म होगी। एंड मेरे बेटू का भी सोने का टाइम हो गया एक्चुअली। इसको मैं कब से सुला रही हूँ, इतनी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये नहीं सो रहा। और टाइम ये देखिए, पूरे 12 बज चुके हैं। जैसे कि आज का डे मेरा बहुत अच्छा निकला, शिवम ने भी मतलब आज मेरे पूरा दिन एंटरटेन किया था। हम लोग मतलब कहीं बाहर तो नहीं गए, प्लान था बाहर जाने का, बट कुछ मतलब पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि मम्मा आ गए थे। अच्छी बात है, जो कि फिर शिवम के फ्रेंड्स यहीं पर आ गए, तो हमने यहीं पर ही सेलिब्रेट कर लिया। अदरवाइज हमने सोचा था कि शायद हम लोग बाहर चले जाएंगे डिनर वगैरह करने, बट घर पे हम लोगों ने इतना एंजॉय कर लिया, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बहुत एंजॉय किया। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे विश किया था, थैंक यू सो मच सबको, क्योंकि सबने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस किए थे। एंड रिप्लाई तो मैंने साथ के साथ ही दे देती हूँ भाई, जैसा जिसका मुझे रिप्लाई दिखता है मैं साथ के साथ ही उसका, सॉरी जिसका मैसेज दिखता है मैं उसका साथ में रिप्लाई कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन जिसने मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बनाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बाय, गुड नाइट।